हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से नॉर्थ मैसीडोनिया में प्रोटेस्ट चल रही हैं और क्या आप जानते हैं कि ये पूरा मामला जुड़ा है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइनिंग करने से लेकर तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक आइए पहले मैप में देखते हैं मैसीडोनिया की पोजिशन मैसीडोनिया की बॉर्डर कंट्रीज़ हैं कोसोवो सर्बिया बल्गेरिया ग्रीस एंड अल्बानिया पिछले कुछ समय से नॉर्थ मैसीडोनिया में नाइटली प्रोटेस्ट चल रही हैं और इन सभी प्रोटेस्ट के पीछे एक ही कारण है मैसिडोनिया का यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की कोशिश जिसमें एक के बाद एक कई हर्डल्स आते जा रहे हैं इस प्रोसेस में सबसे रीसेंट हर्डल है यूरोपियन यूनियन के मेंबर बल्गेरिया द्वारा यूज़ की गई वीटो पावर आइए जानते हैं कि ये डिस्प्यूट किस बारे में है नॉर्थ मैसिडोनिया पिछले सत्रह सालों से यूरोपियन यूनियन की एक कैंडिडेट कंट्री है जहाँ तक कैंडिडेट कंट्री क्या होती है तो इसके ऊपर हमने सेपरेट लेक्चर लिया था रिगार्डिंग यूक्रेन जॉइनिंग द यूरोपियन यूनियन जिसमें हमने बताया था कि कोई भी मेंबर कंट्री मेंबर बनने से पहले कैंडिडेट कंट्री बनती है अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको रिफ़र कर लें मैसिडोनिया का जन्म यूगोस्लाविया के डिसइंटीग्रेशन के बाद नाइनटीन में हुआ था और इसके नाम यानी मेसिडोनिया को लेकर भी इसके टकराव चल रहे थे विद द ग्रीस ग्रीस का कहना था कि मैसीडोनिया नाम एक एक्सपेंशनिस्ट एम बताता है क्योंकि ग्रीस के अंदर भी मैसीडोनिया नाम की एक प्रोविंस है और ग्रीस इसको अपनी हिस्ट्री और कल्चर के साथ छेड़छाड़ बताता है इसी वजह से ग्रीस ने नॉर्थ मैसिडोनिया की यूरोपियन यूनियन और नेटो की मेंबरशिप को कई साल तक रोके रखा इसके बाद 2019 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक डील हुई जिसमें मैसीडोनिया का नाम चेंज करके कर दिया गया था नॉर्थ मैसिडोनिया लेकिन इसके बाद 2020 में बल्गेरिया ने भी नॉर्थ मैसिडोनिया की यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की कोशिश कर ब्लॉकेज लगा दी ऐसा इसलिए था क्योंकि बल्गेरिया की दो की डिमांड्स थी सबसे पहली थी कि बल्गेरिया ये चाहता था कि लैंग्वेज ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया को एक्नॉलेज किया जाए कि वो बल्गेरियन लैंग्वेज से डिराइव की गई है और दूसरी डिमांड थी नॉर्थ मैसीडोनिया में रह रही बल्गेरियन माइनॉरिटी को रिकॉग्निशन देना नॉर्थ मैसिडोनिया और अल्बानिया जो कि इसका एक नेबर है ये दोनों कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहती हैं और ऐसा ये इसलिए करना चाहती है ताकि ये स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को अपनी कंट्री में ला सकें आइए जानते हैं कि इस बारे में फ्रेंच प्रपोज़ल क्या था फ्रांस ने अपनी रोटेटिंग ईयू प्रेसिडेंसी के बीच इस डेडलॉक को ब्रेक करने की बहुत कोशिश की फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक प्रपोजल दिया था इस प्रपोज़ल में कहा गया था कि नॉर्थ मैसिडोन गवर्नमेंट कमिट करेगी कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेगी ताकि बल्गेरियन माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया जा सके इसी के साथ नॉर्थ मैसिडोनिया प्रोटेक्ट करेगा माइनॉरिटी राइट्स को भी और बैनिश करेगा हेट स्पीचेस को इस फ्रेंच प्रपोज़ल के बाद दोनों कंट्रीज़ में रिफ्ट और बढ़ गई और इसी प्रपोजल की वजह से बल्गेरियन गवमेंट जून 2022 में टॉपल कर दी गई इन अ नो कॉन्फिडेंस वोट अब बल्गेरिया की नेशनल असेंबली ने तो फ्रेंच प्रपोजल को अप्रूव कर दिया था लेकिन वहाँ के लजिस्लेटर्स ने कुछ एडिशनल कंडीशंस डाली जिनके फुलफ़िल होने पर ही वो नॉर्थ मैसिडोनिया की यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप को अप्रूव करेंगे वो एडिशनल कंडीशंस में कहा गया प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया जाए फॉर बल्गेरियंस लिविंग इन नॉर्थ मैसिडोनिया और दूसरी कंडीशन कहती है कि बल्गेरिया मैसीडोनियन को एक सेपरेट लैंग्वेज नहीं कंसिडर करेगा फ्रॉम बल्गेरियन जहाँ तक नॉर्थ मैसीडोनिया की बात है तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इस प्रपोजल को अग्री किया था एज अ कॉम्प्रोमाइज़ लेकिन नॉर्थ मैसीडोनिया की कुछ ऐसी पार्टीज़ और कुछ लोगों का मानना है कि इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से बल्गेरियन डिमांड्स को फेवर किया जा रहा है आइए अब जानते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है प्रेजेंट स्टेटस ये है कि बल्गेरिया ने फ्रेंच प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्टेंस के साथ कुछ एडिशनल कंडीशंस भी लगाई हैं बल्गेरियन लेजिस्लेटर्स ने जहाँ तक नॉर्थ मैसिडोनिया की बात है तो इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया था लेकिन अभी तक ये पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग नॉर्थ मेसिडोनियन कन्फ्लिक्ट अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री पी और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं थैंक यू